हाय फ्रेंड्स, मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ा था, तो आइए आज मैं आपको दूसरा नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो अब ये जो कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ाया था उसी का ट्रांसफॉर्मेशन करके नए फार्मूला क्या बनते हैं, तो आइए ये देखते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर साइन ए माइनस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो फिर ये देखिए क्या बनता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनता है, देखिए ये साइन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब ये इसमें से इसको घटाते हैं तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे इस बार साइन वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा। और फिर ये मैंने कॉस के टर्म में बताया था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें से इसको इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनता है, देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू कॉस ए कॉस बी बच गया। और फिर ये अब कॉस ए प्लस बी में से माइनस करेंगे कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो अब ये इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस टू टाइम्स साइन ए साइन बी ये हो जाएगा। अब देखिए, अब ए प्लस बी की जगह पे हम सी पुट कर देते हैं और ए माइनस बी के जगह पे डी पुट कर देते हैं, तो क्या होता है, अब देखिए ये पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो फिर ये क्या होता है, अब यहाँ इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। और फिर ये इस वाले में पुट करेंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब फिर ये कॉस वाले में पुट करेंगे कॉस सी प्लस
कॉस डी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर ये कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी बाई टू। अब ये वाले माइनस को हम अंदर में ले लिए तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू। अब आइए इस सब फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। तो ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये क्या था, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू ये कितना हो जाएगा 90, 45 डिग्री, ये कॉस 45 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा 20 कॉस 20 डिग्री। तो ये 2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 20 डिग्री। अब ये इसका आंसर हो गया। अब फिर ये दूसरा देखिए, साइन 35 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री। तो अब ये सी प्लस डी हो गया, तो साइन, अब इसमें ये प्लस है तो किसी को भी सी और डी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कॉस, अब किसी को भी हम प्लस, ये प्लस है बीच में तो किसी को भी डी या सी मान सकते हैं। तो ये 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 साइन और डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री हो गया। और ये कॉस कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 10 डिग्री हो गया। 2 इंटू साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 10 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। अब आइए और प्रॉब्लम देखते हैं। 2 कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो अब ये हमको ये फॉर्मूला ये इस बेस पे दिया हुआ है। ये क्या है, कॉस है और साइन है। तो और ये देखिए एंगल कौन सा बड़ा है, कॉस बड़ा है और ये साइन का एंगल छोटा है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये देखिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो गया।
अब आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है, तो ये साइन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखिए, साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, अब फिर ये क्वेश्चन, कॉस 9 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब ये देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और ये 1/2 को बाहर रखेंगे। तो अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या लगेगा, ये कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉरी कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। 2 कॉस 9 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस कॉस 9 थीटा माइनस 4 थीटा, ये हो गया, ये 1/2 बाहर रहेगा। फिर ये कितना हो गया, सॉरी ये 2 नहीं होगा, फिर ये होगा कॉस 13 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। प्रूव दैट वाला देखते हैं, ये प्रूव दैट कॉस 7x प्लस कॉस 5x डिवाइडेड बाय साइन 7x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, कॉट एक्स प्रूफ करना है। तो मैं LHS को लेकर के चलता हूँ। तो अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया, तो ये 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2, ये 6x हो गया। और फिर ये कॉस ए माइनस सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 5 2 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये x हो गया। और फिर ये साइन सी माइनस साइन डी, तो ये 2 कॉस ए प्लस बी कितना हो गया, 6x इंटू साइन, अब ये डी सी माइनस डी बाई 2, ये कितना हो गया साइन x। अब ये इससे ये कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, तो कॉस बाई साइन, ये कॉट x प्रूव्ड हो गया। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, कॉस 9x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, क्या प्रूव करना है, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, ये प्रूफ करना है। तो हम LHS को लेकर के चलते हैं। तो LHS में क्या है, ये साइन c माइनस डी बाई 2, साइन सी माइन कॉस सी माइनस कॉस डी है। और ये अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो ये 2 साइन
अब ये टू साइन सी प्लस डी होता है, तो यहाँ से 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 7x इंटू ये साइन डी माइनस सी बाई टू, तो ये 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2x हो जाएगा। और फिर ये साइन सी माइनस साइन डी, तो ये 2 cos C+D/2, तो ये 10x हो जाएगा। और फिर ये साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन, अब ये 17 माइनस 3 कितना, 14 डिवाइडेड बाय 7x। अब ये साइन 7x 2 से 2 कैंसिल, और फिर ये डी माइनस, अभी ये एंगल बड़ा था और ये छोटा था तो आगे माइनस दे देंगे, तो ये माइनस साइन 2x/(sin 7x), ये प्रूफ हो गया मेरा। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, sin x+sin 3x/(cos x+cos 3x), ये क्या प्रूफ करना है, tan 2x प्रूफ करना है। LHS देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, अब ये प्लस है तो किसी को भी सी और डी मान सकते हैं, तो ये 2 sin C+D, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2 sin 2x हो गया। और फिर ये cos 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये cos x हो गया। और फिर ये cos C+D 2 cos C+D/2 2x, और फिर ये क्या हो गया cos x, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin/cos tan 2x प्रूफ।